नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। आज एक बड़ा ही मुद्दा है, रिवीजन वर्सेस रिकॉलिंग, रिवीजन वर्सेस रिकॉलिंग। सो कौन सा जो है वो इम्पॉर्टेंट है या किसको करना चाहिए? अब ये बात समझने से पहले दो तीन चीजें आपको समझनी जरूरी है। सबसे पहली चीज तो आजकल ये जो है रिवीजन 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 एक ऐसी टेक्निक है, क्योंकि मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूं ओवर रिकॉलिंग। क्यों? उसके पीछे रीजन समझते हैं, और रिकॉलिंग बेस्ट ऑप्शन क्यों है उसके पीछे भी रीजन समझिए। ये जानने से पहले आप अपने ब्रेन को जो है कंटेनर की तरह समझिए कि आपका ब्रेन जो है वो एक कंटेनर है। अब ब्रेन कंटेनर है तो ब्रेन से एनालॉजी के तौर पर लाने से पहले कंटेनर को अगर हम समझते हैं, कंटेनर खाली है। अगर कंटेनर जो खाली है इसमें अगर आपको कोई भी चीज भरनी है, चाहे पानी भरना हो, चाहे जो है मिल्क डालना हो, कुछ भी करना हो, तो आप इनपुट एक तरीका होता है और एक आउटपुट होता है। जैसे कोई रिएक्टर होता है, कोई कंटेनर होता है, तो उसमें कोई भी चीज आप अपने घर पे पानी की टंकी को भी देख सकते हैं। उसमें एक पाइप जो है वो इनपुट का भी होता है और दूसरा पाइप जो है वो आउटपुट का भी होता है। सिंपल तरीका होता है कि आप अपने टंकी में जो है वो पानी को स्टोर करके रखे रहते हैं, और जब भी आपको पानी चाहिए होता है आप टैप का नल खोलते हैं और वहां से जो आउटपुट का वे होता है वहां से पानी आपके ग्लास में आ जाता है। दैट इज अ वेरी सिंपल वे कि इनपुट एंड आउटपुट दो वे होने चाहिए। इनपुट का तरीका उस टंकी को फिल करने के लिए, और आउटपुट का तरीका होता है उस टंकी से चीजों को अपने यूज में लाने के लिए, जो भी चीज आप फिल कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ब्रेन भी आपका एक टैंक या एक कंटेनर जैसा है। अब उस ब्रेन या टैंक में जो है इंफॉर्मेशन को भरने के कुछ तरीके होते हैं और उससे इंफॉर्मेशन को निकालने के कुछ तरीके होते हैं। अब इंफॉर्मेशन को भरने और निकालने के तरीके पे जाने से पहले एक छोटी सी बात आप जरा विजुलाइज करके देखिए। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और आपके पास जो है क्वेश्चन पेपर हो, और जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो एक्चुअली में उस क्वेश्चन पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा होता है। जो इन्फॉर्मेशन आपकी आंखों पे पड़ता है, आंखों के पास सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और वो सेंसरी न्यूरॉन्स जो है ब्रेन तक लेके जाते हैं, और ब्रेन तक लेके जाते हैं और उस इन्फॉर्मेशन ब्रेन में खंगालते हैं। ब्रेन आपका जो है अपने जो पूरा टैंक में उसने पूरी इन्फॉर्मेशन भरी थी उसमें वो चीजें सर्च करता है कि क्या इससे रिलेटेड मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, और अगर वो इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू आपको बताता है कि अच्छा इसका ये लॉजिक है और ये आंसर होगा, और आपका हाथ उठता है और आप बी ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म काम करता है, एक सेंसरी न्यूरॉन जो इन्फॉर्मेशन को लेके जा रहा है आपके ब्रेन तक, और एक मोटर न्यूरॉन जो काम कर रहा है। अब आप सोचिए कि अगर ब्रेन ने कोई कैलकुलेशन किया, ब्रेन ने कोई इन्फॉर्मेशन को ढूंढा, तो उस ब्रेन के इन्फॉर्मेशन को एक्चुअली आपके उस आंसर तक पहुंचाने के लिए जो तरीका चाहिए था वो था एक मोटर न्यूरॉन के थ्रू। अगर आपका समझिए, जैसे मैंने एक वाटर टैंक का भी एग्जांपल दिया था कि एक इनपुट का तरीका है और एक आउटपुट का तरीका है, वैसे अगर उस वाटर टैंक को ब्रेन समझा जाए तो उसमें भी एक इनपुट का तरीका होते। ब्रेन में किसी भी इन्फॉर्मेशन को ले जाने के लिए जो न्यूरॉन्स काम करते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स होते, और ब्रेन से कोई न्यूरॉन्स या कोई इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए जो न्यूरॉन्स काम करते हैं उसको आप मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं। यानी ब्रेन में किसी इन्फॉर्मेशन को इनपुट देना है तो सेंसरी न्यूरॉन काम करेगा, और ब्रेन से कोई इन्फॉर्मेशन आउटपुट के फॉर्म में निकालना है तो मोटर न्यूरॉन्स काम करेगा। अब वही चीज आप यहां पे समझिए, एग्जामिनेशन में एक्चुअली में अगर आपका मोटर न्यूरॉन काम ना करे तो ब्रेन कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा और आप उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल तौर पे अगर देखा जाए तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्किल की जरूरत होती है, जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए आपके मोटर न्यूरॉन का काम करना जरूरी है। मोटर न्यूरॉन सिंपल शब्दों में बोले तो ब्रेन का एक आउटपुट तरीका है, कि ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन आपने रखी है उस इंफॉर्मेशन को निकालने का तरीका है। अगर उस इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से आप नहीं निकाल पाए, नहीं कर पाए, तो आपके फिर उस इन्फॉर्मेशन को कोई फायदा नहीं। जिसको एक सिंपल कोट में भी कहा जाता है कि गैदरिंग ऑफ नॉलेज इज नॉट इनफ, अप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, नॉलेज को कलेक्ट करना जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस नॉलेज को अप्लाई करना जो है इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ किताबें पढ़ लेना या इन्फॉर्मेशन को मगअप कर देना बुद्धिमता या विजडम नहीं होते, उसको आप कितने ब्यूटीफुल तरीके से अप्लाई करते हैं वो जो है विजडम को आपको अचीव करवाएगा। एग्जैक्टली ये चीज अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं कि क्वेश्चन में जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको विजडम या आपको जो है एक आउटपुट वे की जरूरत है, मतलब आपके दिमाग से इन्फॉर्मेशन निकालने की जरूरत है, क्योंकि पढ़ के तो आप सब कुछ आ चुके थे, तो जब तक निकलेगा नहीं तब तक क्वेश्चन बनेगा नहीं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चाहिए, उस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को परफॉर्म करने के लिए जो चीज चाहिए, दिमाग से इन्फॉर्मेशन निकलनी चाहिए, और निकलने के लिए आपको आउटपुट वे को स्ट्रांग करना पड़ेगा। अब आउटपुट वे स्ट्रांग तभी करेंगे जब इनपुट वे भी स्ट्रांग हो। इसको फिर से टंकी वाले एग्जांपल्स लीजिए, अगर आप किस टंकी में इनपुट से पानी भरेंगे नहीं तो टंकी खाली रह जाएगी,
फिर जब भी आपको पानी चाहिए आप टैप खोलेंगे पानी आ ही नहीं रहा है, फिर वही कहानी हो गई। एग्जैक्टली तो इनपुट भी जरूरी है ब्रेन के लिए, मतलब इंफॉर्मेशन पहले दिमाग में डालिए। इसीलिए स्टडी एंड रिविजन दोनों ही इनपुट के तरीके हैं। क्यों और कैसे समझिए, जब भी हम कोई भी लेक्चर देख रहे होते हैं यूट्यूब पे, कोई बुक खोल के पढ़ रहे होते हैं, तो क्या हो रहा होता है उस टाइम पे कि जब भी आप लेक्चर देख रहे हैं या बुक खोल के पढ़ रहे हैं, तो आपके न्यूरॉन्स अगर ध्यान से देखिए तो आपके आंखों के पास, आंखें या कानों, ये दो बेसिक तौर पे सेंसेस होते हैं, आईज एंड ईयर्स, इनसे इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंच रही है। और ये जो न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, और ये एक इनपुट तरीका है। आप रिविजन भी करते हैं तो भी देख के करते हैं कि अच्छा ये टर्म्स, आप वीडियो के थ्रू भी रिविजन करते हैं तो भी देख के करते हैं। इसका मतलब दोनों तरीकों में, चाहे आप रिवीजन कर रहे हैं देख के वीडियो के थ्रू या आप स्टडी कर रहे हैं, दोनों ही, स्टडी एक थोड़ा सा लॉन्गर प्रोसेस है, रिवीजन एक थोड़ा शॉर्टर प्रोसेस है, लेकिन दोनों प्रोसेस में आपकी आईज एंड आपके ईयर्स ही जो है वो काम कर रहे हैं सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। और रिवीजन और स्टडी दोनों ही सेंसरी न्यूरॉन का यूज कर रहे हैं, यानी दोनों ही इनपुट तरीका है ब्रेन तक पहुंचाने के लिए। अब आप चाहे जितनी स्टडी कर लीजिए, चाहे जितनी रिवीजन कर लीजिए, लेकिन उससे आपके क्वेश्चन नहीं बन पाते। कई बार लोगों के साथ ये समस्या रहती है, सर समझ में सब आता है, पढ़ाई मैंने सब करी है, लेकिन क्वेश्चन नहीं बन पाते, क्योंकि आपने पूरी मेहनत जो करी थी वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को दिमाग में डालने के ऊपर कर दी, आपने इंफॉर्मेशन को निकालने के ऊपर मेहनत करी ही नहीं कि इंफॉर्मेशन निकाले कैसे, और वो इंफॉर्मेशन रिविजन और स्टडी से नहीं निकलता। एंड दैट्स वाई रिविजन और स्टडी दोनों ही इनपुट के तरीके जो मैंने बताए थे। अब उसको निकालने का जो तरीका है वो है रिकॉलिंग। रिकॉलिंग में बार बार कहता हूं, और रिकॉलिंग जो है वो कई तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट वे होता है कि आप जो है बिना किसी चीज को देखे रिकॉल करने की कोशिश करिए, और वो सबसे अच्छा तरीका है। मैंने प्रीवियसली भी एक वीडियो अपलोड किया था रिकॉलिंग के ऊपर, आप उन वीडियो को अभी भी जाके देख सकते हैं। रिकॉलिंग इज अ बेस्ट वे टू इंक्रीज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब समझिए ऐसा क्यों, क्योंकि रिकॉलिंग एक आउटपुट वे है ब्रेन का। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ब्रेन से इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, वैसे ही आपको वो प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको समझिए कि अगर विराट कोहली है, उसे कवर ड्राइव खेलना है एक इंटरनेशनल मैच में, तो नेट्स में वो कवर ड्राइव को प्रैक्टिस करता है, या उसे किसी एक लेफ्ट हैंडेड बॉलर को खेलना है तो वो नेट्स में उसको प्रैक्टिस करता है। तो जो बॉल उसे एक्चुअली में खेलनी होती है वही बॉल वो प्रैक्टिस करता है पहले, उसमें मास्टरी हासिल करता है। एग्जैक्टली जो स्किल आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के चाहिए दिमाग में से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, वही स्किल आपको मास्टरी करनी पड़ेगी पहले, और वो होता है आपके रिकॉलिंग से, ना कि रिविजन से। ये मैं क्लियर कर चुका हूं और आपको समझा चुका हूं। अब रिकॉलिंग क्या है, रिकॉलिंग ये है कि आप कोई भी चीज, कोई इंफॉर्मेशन पहले ब्रेन में डाल तो दिया आपने, उसके लिए आपको स्टडी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। स्टडी के बिना ये पॉसिबल नहीं है कि आप इंफॉर्मेशन भी ब्रेन में डाल पाए। आप लेक्चर देख के करिए या खुद से करिए, सेल्फ करिए या किसी कोचिंग की मदद से करिए, दैट इज डिफरेंट पार्ट, लेकिन पहले ब्रेन में इंफॉर्मेशन पहुंचना जरूरी है। लेकिन सिर्फ वही जरूरी नहीं है, इसके लिए अब आउटपुट वे में रिकॉलिंग एक बहुत बेस्ट वे, जिसको मैंने बोला कि आपने कोई भी चीज पढ़ ली, अब उसको एज इट इज, कॉपी को एज इट इज रख दीजिए, ठीक है, आप उसको देखने की जरूरत नहीं है। आप अपने दिमाग में बैठिए, जैसे मेडिटेशन होता है वैसे सीधे बैठिए और देखिए, आंख बंद करके, आंख खोल के, वॉक करते हुए, नहाते हुए, मैंने कहीं पे भी आप रिकॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए किसी नोट्स, किसी कॉपी, किसी चीज की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे रिकॉल करना हो कि हाँ जो रिप्लिकेशन क्या होता है, रिप्लिकेशन में जो है कैसे डीएनए रिप्लिका कॉपी बनता है, प्रोकैरियोटिक डीएनए रिप्लिकेशन में पॉलीमरेजेस 5 टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक में 5 से ज्यादा भी होते हैं, और उसमें जो है कई अलग अलग फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। जो मेन रिप्लिकेटिंग पॉलीमरेज है वो पॉलीमरेज 3rd है, उसके पास जो प्रॉपर्टीज है 5'-3' पॉलीमरेज है, जो प्राइमरी मोल प्रॉपर्टी है पॉलीमरेज 1 के पास है, जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी पॉलीमरेज 1 के पास है, जो 4th और 5th है वो वाई फैमिली पॉलीमरेजेस है, और वैसे ही आप आपके यूकैरियोटिक पॉलीमरेजेस में भी जा सकते हैं। तो ये मैंने देखो 1 मिनट भी नहीं लगा, मैंने कितनी इंफॉर्मेशन को फटाफट दिमाग में घुमा लिया। ये क्या था, ये इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में था, मैंने बस उसको ब्रशअप किया, उसको रिकॉल किया, मतलब मैं जब चाहूं तो वहां से अपने आप को बुला सकता हूं, आ जाओ रिप्लिकेशन शुरू हो जाओ। ये स्किल ही रिकॉलिंग है, रिकॉल करना। जब भी आप कभी किसी इंटरव्यू में बैठे होते हो तो वहां पे कभी भी कोई चीज आता है, कहीं भी देख लेना, कोई भी इंटरव्यू में बैठा है तो वहां पे अक्सर ये, अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर पूछता है कि ये टर्म बताइए, तो आपको अगर नहीं आता तो आप ये नहीं कहते कि सर आई एम नॉट एबल टू रिवाइज, आप ये बोलते आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, कि मैं उसको रिकॉल नहीं कर, दोबारा कॉल नहीं कर पा रहा हूं, एक बार गया जरूर, मैं उसको फिर से बुलाना चाहूं तो वो आ नहीं पा रहा है। और यही चीज आपको करनी कि जब चाहे तब आप उसे बुला सके, जब चाहे तब बुला सके, बिना किसी चीज के देखे,
जब आप किसी इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर सके, दोबारा कॉल कर सके, दोबारा बुला सके, जब चाहे, यही है रिकॉलिंग। जितनी इंफॉर्मेशन को आप रिकॉल कर सकते हैं बिना किसी चीज के देखे, एग्जामिनेशन में उतनी ही इंफॉर्मेशन आपसे रिकॉल होगी। और ये प्रैक्टिस आप कभी करते ही नहीं है, रिकॉलिंग की, जिसको हम बोलते हैं। और रिकॉलिंग ही तो ब्रेन से इंफॉर्मेशन निकालना है। जब भी मैं ऐसे बैठा हूं, मैंने बोला कि भाई बता दो अमीनो एसिड में किसकी पीआई सबसे ज्यादा होती। अब ये क्या है, ये आपने एक क्या दिया, एक कीवर्ड। इस कीवर्ड से मेरा ब्रेन सर्च करेगा सबसे हाईएस्ट पीआई। यस, रिकॉल किया आर्जिनिन। आर्जिनिन को अब मैंने रिकॉल कर दिया, दोबारा कॉल कर दिया, आर्जिनिन आ गया एक बार फिर से ब्रेन में, फिर से मेरे सबकॉन्शियस माइंड में दिख के फिर चला गया। तो जब जितनी चीजें आप रिकॉल करोगे, उतना ही आपके पास ये जो आउटपुट स्किल है जिसमें मोटर न्यूरॉन काम करेगा, जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ेगी, ये रिकॉलिंग से बढ़ेगी। ये आपको समझना बेहद जरूरी है कि रिकॉलिंग क्यों जो है बहुत अच्छी है। और सिर्फ रिकॉलिंग ही तरीका नहीं है ब्रेन के आउटपुट फंक्शन को इंक्रीज करने का, एक तरीका है प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस। लेकिन ये प्रैक्टिस अगेन बिना किसी वीडियो की मदद से, बिना किसी जो है ग्रुप्स की मदद से खुद सॉल्व होना चाहिए और बिना आंसर देखे। जब आप किसी क्वेश्चन को जो है खुद से बैठ के सॉल्व करते हैं, बिना किसी जगह पे उसका आंसर देखे, आप कॉन्फिडेंटली ये कह पाते हैं कि मुझसे हो रहा है, तो अगेन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन को रिकॉल करता है कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत। आप ब्रेन रिकॉल करेगा कि वो लाइन सही है कि गलत, मैच करेगा सही है तो सही, गलत है तो गलत। तो रिकॉलिंग एज वेल एज प्रैक्टिस विथ योर सेल्फ इज द टू इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस फॉर द ब्रेन आउटपुट। तो इन शॉर्ट, अगर मैं इन समरी जो मैंने अभी तक बताया कि रिकॉलिंग और रिवीजन का, तो एक बार फिर से मैं बोलूं, आपका ब्रेन एक कंटेनर है। इस कंटेनर में दो प्रोसेस इनपुट के लिए हैं, रिवीजन एज वेल एज स्टडी। स्टडी और रिवीजन से आप ब्रेन में इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, निकाल नहीं सकते। निकालने के लिए दो इंपॉर्टेंट तरीके, रिकॉलिंग एज वेल एज प्रैक्टिस। जितना आप रिकॉल करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आप इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जितना इंपॉर्टेंट स्टडी और रिवीजन है, उतना ही इंपॉर्टेंट जो है वो आपका रिकॉलिंग एंड प्रैक्टिस है। एंड दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कह रहा स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं है, है बिल्कुल है, बिकॉज उसके बिना इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाएगी नहीं। लेकिन वो सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो चाहे जितना इंफॉर्मेशन अपने टैंकर में भर लो, जब तक रिवीजन और प्रैक्टिस काम नहीं करेगा, क्वेश्चन बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही एक वजह है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है सब कुछ आते हुए भी क्वेश्चन नहीं बनने का, क्योंकि रिकॉलिंग और प्रैक्टिस नहीं हो पाते। ठीक है, सो होपफुली कि ये वीडियो जो है आपको ये समझ दे पाया हो कि रिकॉलिंग क्यों जरूरी है। एंड मैं बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं और करता रहा हूं पहले से और आगे भी करता रहूंगा कि जिस दिन आपने रिकॉलिंग को अप्लाई किया, जैसे कई सारे हैबिट्स रूल होते हैं ना, 21 डेज हैबिट रूल, आप सिर्फ जो है एक हफ्ते रिकॉलिंग करके देखिए। एक यूनिट पकड़ लीजिए, उस यूनिट को एक हफ्ते तक कॉन्टिन्यूस रिकॉल करिए। मतलब पहले एक बार थोड़ा बहुत देख के रख दिया कॉपी, अब ब्रेन में याद कर रहा हूं रिप्लिकेशन में कितनी इंफॉर्मेशन मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, ट्रांसक्रिप्शन में कितनी, जो रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, जिन इंफॉर्मेशन में अटक रहे हैं, जो जो दिमाग रिकॉल नहीं कर पा रहा, पुनः नहीं कॉल कर पा रहा, उसको देख के फिर से रख के फिर से रिकॉल करिए। जितनी इंफॉर्मेशन को बिना किसी हेल्प के रिकॉल कर पाएंगे, उतनी इंफॉर्मेशन आप जब चाहे जहां चाहे तहां रिकॉल कर सकते हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन का हॉल हो या आपका क्वेश्चन पेपर। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप किस टॉपिक पे और बात करना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद जय भारत।